हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अपना रिजल्ट लेकर के प्रस्तुत हो चुकी है और इसने Q4 में इसके नेट प्रॉफिट में 75% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है और इनका जो Q4 में टोटल प्रॉफिट रहा है 230 करोड़ रहा है और इसमें कोविड की बहुत बड़ी मार पड़ी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के रिजल्ट पर। और चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं कि कंपनी का इसके बारे में क्या कहना है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, इसका फुटप्रिंट न केवल इंडिया में है, बाकी विश्व के कई देशों में है। इनका US में भी व्यवसाय है, बाकी कंट्री में भी है, इंडोनेशिया में है, बहुत सारे देशों में इनका व्यवसाय है। और चूंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कंपनी भी ये मान रही है कि जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हुआ है पूरे वर्ल्ड में और सारे जगह में लॉकडाउन चल रहा है, तो इनका जो बिजनेस है काफी बुरी तरह से जो है इम्पैक्टेड हुआ है और इसके सारा जो प्रभाव है इसके रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की लॉकडाउन अभी बहुत सारे देशों में चालू है, इंडिया में भी चालू है, लेकिन कुछ देशों में अब खुलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो आने वाला क्वार्टर है Q1 का, FY21 का, इसमें उस रिजल्ट में भी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने जा रहा है। दोस्तों, Q3 के रिजल्ट के बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड पर हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हम लोगों ने पाया था कि गोदरेज जो फेयरली वैल्यूड पाया था, और उस समय हम लोगों ने Q3 के रिजल्ट के अनुसार जो हम लोगों ने मैक्सिमम प्राइस 612 रुपये और मिनिमम प्राइस 484 रुपये इसका प्राइस रेंज बताया था, और हमने उस पुराने वीडियो में रिकमेंड किया था कि इस शेयर को जो है ये पूरा पूरी तरह फेयरली वैल्यूड है और इसको बेच करके निकल जाना चाहिए, और निचले स्तरों पर अगर कभी उपलब्ध होता है किसी कारण से तो वहां पर परचेज करना चाहिए। ऐसा हमने उस पुराने वीडियो में बताया था और जिसका लिंक आपके स्क्रीन पर राइट साइड में ऊपर में दिख रहा है, आप उस वीडियो को वहां पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इसने रिजल्ट दे दिया है, अब हम लोग को अब फिर से कोविड की जो मार पड़ी है उसको एनालाइज करके अब हम लोग को फुल ईयर जो इन्होंने रिजल्ट दिया है उसके अनुसार नए प्राइस रेंज को समझना पड़ेगा कि अब ये शेयर किस प्राइस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। उसके अनुसार ही हम रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर अपना डिसीजन खुद ही ले पाएंगे कि अब इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो रिजल्ट लेकर के आई है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग चार्ट इसका देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि गोदरेज कंज्यूमर में काफी तगड़ी जो है बिकवाली जारी रही है, और जब लॉकडाउन हुआ था, घोषणा हुआ था 24 मार्च को, तो उस दिन ये शेयर टूट करके 434 रुपये पर आ गया था। और दोस्तों, उसके बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद फिर गिरावट आई और फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब इनका जो है जिस तरह से रिजल्ट आया है, अब उसके हिसाब से हम लोग इसका प्राइस रेंज तय करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पुराने जो एक्सेल शीट बनाया था Q3 तक का, उसी को एक्सटेंड करके हमने यहाँ कुछ एडिशन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था गोदरेज कंज्यूमर पर कि इनका जो रिवेन्यू जो होगा, एनुअल रिवेन्यू जो ये रिपोर्ट करेगी मार्च एंड में, वो लगभग 10,342 करोड़ का रहने का उम्मीद हम लोग लगाए थे, और इनका प्रॉफिट जो हम लोग लगाए थे कि 1,688 करोड़ रह सकता है, और EPS उस हिसाब से हम लोगों ने 16 रुपये 51 पैसे तय किया था। तो
एस्टिमेट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक्चुअल देखिए जो रिवेन्यू आया है वो 9,911 करोड़ का आया है और यहाँ पर लगभग 4% को डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट फ्रंट पर देखिए दोस्तों, इसमें भी जो है हम लोगों ने 1688 करोड़ का एस्टिमेट लगाया था, उसमें ये 1496 करोड़ ही ला पाई है। तो यहाँ पर जो है FY19 के रेस्पेक्ट में 36% का डिग्रोथ देखने को मिला है। और ईपीएस में दोस्तों FY19 में 22.91 रुपए का इनका ईपीएस रहा था, जो कि घट करके इस बार FY20 में 14.63 रुपए रह गया। यहाँ पर भी 36% का डिग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने एस्टिमेट जो लगाया था उसके हिसाब से भी इसका रिजल्ट जो है काफी खराब आया है ड्यू टू कोविड। और हमने पुराने वीडियो में चर्चा किया था कि जो एफएमसीजी सेक्टर है वो अभी डिग्रोथ में थोड़ा चल रहा है और उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट एडिशनल आ गया, तो इसमें काफी तेज इनके प्रॉफिट और रिवेन्यू में तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी काफी तेज जो है इसमें गिरा है। तो दोस्तों इस हिसाब से अब हम लोग इसका जो प्राइस, नया प्राइस रेंज तय करते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का वो 543 रुपये होना चाहिए और मिनिमम प्राइस जो है 429 रुपये होना चाहिए। तो दोस्तों अब आने वाले समय में ये जो शेयर है ये इसी प्राइस रेंज में ट्रेड करने की संभावना दिख रही है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो 534 रुपये में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और हम लोगों ने 543 रुपये का जो है हाई प्राइस इसमें एस्टिमेट किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी ये शेयर जो है फेयरली प्राइस्ड है और इसमें अभी फिलहाल बहुत तेजी बनती नहीं दिखेगी। और चूंकि हम लोगों ने अभी जैसा कि समझा कि Q1 का रिजल्ट जो FY21 का जो आएगा इसका और भी खराब रह सकता है, तो दोस्तों फिलहाल इस शेयर में कोई तेजी बनती, बहुत बड़ी तेजी बनती नहीं दिख रही है। हालांकि फंडामेंटली ये शेयर जो है काफी स्ट्रांग है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ये पाया था कि काफी स्ट्रांग है, पैरेंटेज इस कंपनी की स्ट्रांग है। तो चूंकि अभी ये अपने लोअर चैनल में चल रहा है, हो सकता है Q1 का रिजल्ट आए तो और भी लोअर प्राइस पर ये अवेलेबल हो। क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है तो अगर जिन रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना है वो इस जब भी इसका प्राइस यहाँ से और गिरता है तो SIP मोड पर इसको, इस शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं। जब भी मार्केट की स्थिति सुधरेगी और FMCG सेक्टर सुधरेगा तो इसमें काफी तेज जो है उछाल आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल ये लंबे समय के लिए निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ये राय है। और बाकी कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।